हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम जिसका नाम है GTA 5, इसके थर्ड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और गाइस, आप लोग जो प्यार दे रहे हो इस सीरीज पे, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट गाइस, आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में। फर्स्ट एपिसोड को 1500 व्यूज़ हो गए, बट गाइस लाइक सिर्फ और सिर्फ 100 हुए। माना कि मैंने ही 100 लाइक एम दिया था, बट बात तो ये नहीं होती है कि 100 लाइक एम कंप्लीट हो गया है तो आप लाइक नहीं करोगे वीडियो के ऊपर। गाइस, आप लोगों को जैसे ही शाहिद द गेमर का वीडियो दिखे, आप लोगों को वैसे ही लाइक करना है। और लाइक फ्री है, एकदम ही फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है। तो आप लोगों का काम ये है कि जैसे ही मेरा वीडियो दिखे, आप लोगों को लाइक कर देना है। और गाइस, अगर किसी से दो एपिसोड इसके स्टार्ट के छूट गए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके दोनों ही एपिसोड आप लोग देख लेना। और लास्ट एपिसोड में किसी ने कहा था कि मैं नाइट में गेम प्ले ना करूं इस सीरीज का। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं नाइट में गेम प्ले करने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर मेन्यू मोड भी नहीं डाला है। मैं इसके अंदर कोई भी मोड नहीं डाला हूँ। और मैंने कहा था कि मैं इस सीरीज को, एक सेकेंड, लामार का कॉल आ गया, पहले इसकी बात सुन लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था। Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of him, man, alright? Alright, I got you, dog. तो भाई, थोड़े दिन पहले इन लोगों ने कुछ कांड किया था, एक बंदे को किडनैप कर लिए थे और किडनैप करके यहाँ पर लेकर आ रहे थे। तो उसी के मामले में आगाह कर रहा था वो कि अपने को जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट में कहा था कि मैं इसके अंदर मेन मिशन तो करूँगा ही, बाकी सब छोटे मोटे मिशन जो भी इसके अंदर है, सब कुछ सब खेलने वाला हूँ मैं। और 100% इस गेम को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर मैं मोड्स यूज़ नहीं करूँगा, जैसे कि मैं गॉड मोड यूज़ नहीं करूँगा और बाकी जो भी मोड होते हैं वो मोड यूज़ नहीं करूँगा। मैं DLCs खेलूँगा बट मोड यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन का एक मिशन दिख रहा है और एक मिशन मुझे एक लेस्टर का दिख रहा है, और एक नहीं, सॉरी, ये लेस्टर का मिशन नहीं है, ये है माइकल का मिशन। तो मैं पहले फ्रैंकलिन का ही मिशन कर लेता हूँ। फ्रैंकलिन के घर पे ही जाना है मुझे। अरे क्या हुआ तुझे, जाना मार दूँ क्या इसको, भाग यहाँ से, घर पे भाग जाऊँगा मैं। बचपन में हम लोग ऐसे मार के घर पे भाग जाते थे ना, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। भाई ये काई की आवाज़ है, इन लोगों को क्या हुआ? ये एक किस्म का योगा होता है, बट ये योगा नहीं कर रहे, ये लोग पागलपंती कर रहे हैं। I don't wanna know. Franklin, what the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go, go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. तो भाई, फ्रैंकलिन समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा भी घर है और मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ। तो उसकी आंटी, इसने भगा दिए फ्रैंकलिन को, बेचारा परेशान होकर बाहर निकला ही था, वैसे ही लामार सामने दिख गया। ये लामार अलग ही ढक्कन है भाई, हमेशा फ्रैंकलिन को फंसाते ही रहता है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि अभी भी ये फंसाने ही आया फ्रैंकलिन को। Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl. अबे माँ कसम। ये तो अम्मा बहन पे आ गया भाई इसकी। वाला मीम है ना, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। फ्रैंकलिन उसके अम्मा बहन पे आ गए। That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit. तो भाई, फ्रैंकलिन उसे भगाने की कोशिश कर रहा है, बट वो गुस्सा हो गया है। I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. Alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizette, come whoa, on, whoa, man. Whoa, cool out. Chill, man? Man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. But part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga.
Real business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit, not me. तो भाई ये लोग एक बिजनेस के लिए जा रहे हैं और ये लोगों का बिजनेस ये है कि ड्रग डीलिंग का ये लोगों का बिजनेस है. फ्रैंकलिन का नहीं है, वो लमार का बिजनेस है ड्रग डीलिंग का. पहले ये लोग एम्युनेशन शॉप पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो चलते हैं एम्युनेशन शॉप पे पहले और वहाँ से गन्स वगैरह ले लेते हैं. एम्युनेशन शॉप ज़्यादा दूर तो नहीं है, करीब में ही है. You punks was little homies and I was a big homie. Now I'm out and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati pharaoh shit. तो भैया ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, अगर मैं इस हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर आधे से ज्यादा गाली होगी, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मेन मेन पार्ट जो ये लोग बोल रहे सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, all right? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie, get your shotgun with the flashlight modification. तो भाई इसने कहा है कि शॉटगन लेने के लिए, बट मैं एक ये भी ले ही लेता हूँ, हैंडगन भी मैं ले लेता हूँ. और शॉटगन इसने बोला है तो शॉटगन का शॉटगन तो यही है और फ्लैशलाइट भी लेने बोला उसने साथ में. फ्लैशलाइट का क्या करेंगे ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये तो मैंने ले ही लिया है ना. चलो ठीक है, सेव कर देते. ओके, शॉटगन लेने के लिए बोला है भाई ये, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है. आर्मर भी ले ही लेता हूँ मैं. एक काम करता हूँ ना, मैं आर्मर भी ले लेता हूँ. हट गया यार लमार, गिर गया क्या? गिर गया लमार, टूटा भी. आर्मर ये रहा आर्मर, तो आर्मर भी ले लेते हैं. अच्छा वाला आर्मर लेंगे, 1500 वाला. अब उतना पैसा ही नहीं है, 1000 वाला ले ले क्या? 1000 वाला ले लेते हैं. चलो ठीक है, तो आर्मर मैं ले लिया हूँ. वहाँ पे फाइट होने वाली है और मैंने जैसे कि बताया कि इसके अंदर, अरे हटेगा या फिर धक्का मार के जाऊँ तुझे. तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने कोई भी मोड यूज़ नहीं किया है, गॉड मोड वगैरह भी यूज़ नहीं किया है मैंने, तो मेरी जान जा सकती उधर पे. और मैं चाहता नहीं हूँ कि फ्रैंकलिन थर्ड एपिसोड में मर जाए. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see, that's that negative attitude Lamar was telling. तो ये लोग उसी डील के बारे में बात कर रहे हैं. ये लोग ड्रग डीलिंग के लिए जा रहे वाले हैं और फ्रैंकलिन यही कह रहा है कि अगर इतनी टाइट सिचुएशन हो सकती है वहाँ पे, तो फिर डीलिंग के लिए क्यों जाना है. गाइस ये लोग जिससे पास जा रहे हैं ना, ये लोग उससे पहले भी काम कर चुके हैं. लोग मतलब कि ये लोग, मतलब लमार जो है उस बंदे के साथ में पहले भी काम कर चुका है. तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कौन है, कि लमार उसके साथ में पहले भी काम कर चुका है. फ्रैंकलिन पूछ रहा है कि ये जगह तुझे मिली कैसे, तो बोल रहा है कि ड्रग डीलर लोग ऐसी सब जगह पे ही मिलते हैं. अबे ये है, इसी को तो किडनैप किए थे लास्ट एपिसोड में हम लोग. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this. Franklin भी वही बोल रहा है कि लास्ट में अबे 2-3 दिन पहले हमें इसे किडनैप किए थे. Crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. You know these niggas dumb. Yo, what the fuck this trick talking about, man? तो भाई इसने kickback मारा है भाई, इसने धोखा दे दिया इन लोगों को. इसने बंदा बुला के रखा है, पूरी की पूरी गैंग बुला के रखा है उसने. मार देगा भाई ये, मार दिया, मुझे लगा ही था मार देगा ये, बहुत डेंजर दिख रही था ये. तो इसीलिए हम लोगों को शॉटगन लेकर आना था. शॉटगन की रेंज इतनी ज्यादा कैसे है? अच्छा इसलिए लेजर लगाने के लिए कहा था, पर लेजर से रेंज तो नहीं बढ़ती है. ओ तेरी, आर्मर लगाने का थोड़ा तो फायदा हुआ है. Man, back up!
Snitch ass fool thought we was marked. Now he ain't thinking shit. बंदे तो बहुत लेकर आए ये भाई ये। बंदे बहुत ज्यादा आए दो तीन गाड़ी भर के आए तो मैंने देखा था शॉटगन में इतना ज्यादा रेंज कैसे आ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे पता है यहाँ पे भी बंदे आएंगे ही आएंगे राइट से आएंगे या लेफ्ट से राइट से सॉरी लेफ्ट से ब्लू लाइन तक का मेरी हेल्थ आ चुकी है आप लोग अगर ध्यान दोगे ना तो मेरी ब्लू लाइन तक का हेल्थ आ चुकी है ग्रीन पे आने ही वाली है जाके छुप जाता हूँ जल्दी से दिख रहा नहीं था वो उसने फायर किया उसके वजह से दिख गया वो ये अपना ही बंदा है क्या अच्छा हाँ अपना ही है तो ये कौन है अच्छा ये गिरा पड़ा है मुझे लगा कि बैठा है और एम ले रहा है भाई बज गया ग्रीन पे ही है अरे हेल्थ मिल गई मुझे हेल्पफुल तो नहीं हुई है मुझे लग रहा है मेरे पास गन कौन कौन सी है ठीक है मेरे पास गन तो हो गई है इन लोगों के उठा लिया है मैंने एक और गन मिल गई भाई इधर पे नहीं 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 जल्द से जल्द भागना होगा यहाँ से भाई थोड़ी बहुत गोलियां लगी है मुझे और हेल्थ भी थोड़ी सी कमी है अबे चढ़ जा कोई नहीं है रास्ता खाली है भागो अबे चढ़ जल्दी कहाँ हेलीकॉप्टर है यार आवाज खाली आ रही है हेलीकॉप्टर दिख रही नहीं है अच्छा वो रही हेडशॉट मत मारना बस कहाँ से भागना है यहाँ से भागना ओके अरे तेरी तो गलत जगह आ गया सामने की तरफ ही कार दिख रही है वो लेके भागना पड़ेगा अच्छा ये पुलिस है माँ कसम मुझे लगा कि उसके बंदे अबे जल्दी बैठो वरना छोड़ के भाग जाऊंगा ओ शिट मुझे मैं सोच रहा था कि मैं पीछे रिवर्स लेके निकल जाऊं उससे पहले ये लोग आ गए मेरे पास में अब ये फाइट देखने में बहुत मजा आएगी क्योंकि दो बंदे मेरे साथ में हैं और पुलिस तो आप लोगों को पता ही है कि इंफिनिटी है इसके अंदर अब मुझे छुपना होगा या फिर फाइट करना होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ तक मैं फाइट कर सकता हूँ फाइट करते हैं उसके बाद में कहीं अगर जगह मिलेगी तो छुप जाऊंगा अभी टैक्सी वाले रेस लगा रहा है क्या मेरे से साथ वहीं चल रहा है मेरे पास सामने की तरफ एक बंदा दिख रहा है तो मुझे अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ अरे भाई लग जा ब्रेक ओ तेरी तो सॉरी अंकल उल्टे रास्ते पर चलाना ठीक रहेगा क्या ड्राइविंग मोड मुझे डाल देना चाहिए था ओह शिट ये यार मुझे ड्राइविंग मोड एटलीस्ट ड्राइविंग मोड यूज कर सकूं मैं बट मैंने बोला है कि मैं थोड़ी भी चीटिंग नहीं करूंगा तो मैं ड्राइविंग मोड भी नहीं डालने वाला इसके अंदर ड्राइविंग मोड डालूंगा ना मैं तो मेरी पहले की जो ड्राइविंग थी ना और वो अभी की ड्राइविंग जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ड्राइविंग मोड डालने से होता क्या है ऑलमोस्ट सभी लोग वही यूज करते हैं थोड़ा भी कहीं भी टक्कर नहीं होगी हो जाएगी टक्कर बट इतनी भी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है तो गाड़ी में अबे भाई तीन स्टार की पुलिस चल रही है भाई मेरे पीछे जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को छुपाना होगा वरना मैं पकड़ा जाऊंगा और मिशन फेल हो जाएगा चलो ब्लिंक तो होने लगा है स्टार बस मुझे इसी रास्ते पे लेके चलना है अपनी गाड़ी भाई बिना ड्राइविंग मोड के भी मैं इतना अच्छा चला रहा हूँ गाड़ी मुझे यकीन नहीं था मैं इतना अच्छा चला लेता हूँ तो मुझे लगता है कि छुट गए ये लोग मुझे राइट लेना होगा अरे नहीं 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 राइट की तरफ से एक बंदा एक पुलिस वाला आ रहा है भगा ले भाई इस पे ही चला ले क्या अच्छा तो ये मुझे मिल चुका है तो हम लोग इस पे ही जाएंगे छुपने का रास्ता छुपने का ओ भाई छुट गई अंदर जाने का
पीछे से ट्रेन आ रही है, देख लिया है मैंने. क्या टाइमिंग थी. Shit, man, you the one popped his ass. I did the necessary. Yeah, thank you for that, dog. This all on you, LD, lengthy dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us. भाई तीनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं. एक्चुअली फ्रैंकलिन तो नहीं दे रहा है, ये लोग दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि तेरा प्लान खराब था, तेरी डीलिंग, तेरा डीलर जो था वो गधा था. तो इन लोग को स्किल लोगों की बात करने देते हैं. बस मुझे अपना डेस्टिनेशन मुझे दिख रहा है, आगे जाना है मुझे सामने की तरफ. मैं आप सोच रहा हूँ कि माइकल का एक कर लिया जाए एक मिशन. तो इन लोगों को यहाँ पे पार्क करते हैं और माइकल के मिशन के लिए चलते हैं. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told nigga, you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking so, bhai, Franklin ke jitne bhi dost hai, sab aise hi aade-tede hai. Hume Michael ke is pe jaun kya main? Michael ke is pe jaate aur dekhte hai ki Michael ka kaun sa mission chal raha hai. Michael ka mission karte hai. लेस्टर के पास मैं जा सकता हूँ. लेस्टर का मिशन कर लिया जाए क्या पहले. लेस्टर का मिशन करीब में ये लाइव, माइकल का मिशन बहुत दूर पे है. तो पहले लेस्टर का मिशन करते हैं, चलते हैं लेस्टर के घर पे. मैं स्कीप करता हूँ और डायरेक्ट लेस्टर के घर पे मिलता हूँ. तो भाई किसी का कॉल आ गया, मैं देख लेता हूँ कॉल है कौन पे. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. तो भाई लास्ट एपिसोड में जिसको जे मॉरिस को हम लोगों ने मारा था ना, लाइफ इन्वेडर के मालिक को, सीईओ को, उसको जब हम लोगों ने मारा था तो हम लोगों को एक साथ दिया था, हम लोगों का एक साथ दिया था एक बंदा. एक सेकंड, स्मार्ट आउटफिट है यार. दूसरा कपड़ा पहन के आने बोल रहा है. अच्छा वो सूट वगैरह पहन के आने के लिए बोल रहा है. सूट वगैरह पहन के आऊँगा तो ये जो चालू होगा ये मिशन. तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जय मॉरिस को मारा था और जय मॉरिस को मारने में हम लोगों की एक ना चाहते हुए एक बंदे ने मदद किया था और वो बंदा अभी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, आधा शेयर्स मांग रहा है. तो अब देखते हैं माइकल उसके साथ में क्या करेगा. अब अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ तो माइकल ऑब्वियसली उसे शेयर्स तो इतनी आसानी से देगा नहीं, उसे मारेगा ही वो. तो कैसे मारेगा वो अभी हमें आगे दिखेगा. अभी चलते हैं वहाँ पर. मैंने एक मार्क कर लिया, यहाँ पर एक स्टोर मार्क कर लिया है, क्लोथ स्टोर. तो वहाँ पे जाके हमें एक टक्सीडो शायद से बाय करना है और बाय करके दोबारा से लेस्टर से मिलने आना है और उसके बाद ही मिशन स्टार्ट होगा. गाइस तो मैं स्टोर के काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ और सामने की तरफ ही ये ओके ये स्टोर है. बट ये बंद है क्या. नहीं नहीं वो तरफ से खुला है. ओके यहाँ से खुला है. तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो सूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. मुझे यहाँ पे सूट्स तो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं है. कोई और स्टोर में जाना होगा, यहाँ पे नहीं है वो सूट्स. जो मुझे सूट्स चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, कोई और स्टोर में जाना होगा. तो चलते हैं दूसरे स्टोर में और वहाँ जाके ट्राई करते हैं वहाँ पे वो सूट मिलता है या नहीं मिलता. पहले मैं देख लेता हूँ कि करीब में और कौन सा स्टोर है. ये वाले में मिल जाएगा शायद. ऑल राइट गाइस, सेकेंड स्टोर के करीब मैं पहुंच गया हूं. बस मुझे यहां से लेफ्ट लेना है. अरे दोबारा से उसी स्टोर पे आया गया मैं. वो स्टोर तो नहीं है, ये दूसरा स्टोर है. मैंने मार्क करके आया हूं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है. बट वैसा ही दिख रहा है, लगभग सभी सेम ही स्टोर बनाया है यार रॉकस्टार वालों ने. थोड़ा तो अलग बनाए होते. तो भाई मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पे पहले से ही लूट चल रही थी. ठीक है कोई बात नहीं. तो भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा जल्दी. हाँ जल्दी एक मिनट बताता हूँ इन लोग को पंगा किसे लिए. ये लोग मेरी कार इधर पे ही है.
मैं सूट ढूंढते ढूंढते सुबर्वन में आया इतना दूर, और यहाँ पे पहले से ही पंगा चल रहा था। ये लोग लूट रहे थे स्टोर को। बस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए ये लोग, बताता हूँ इन लोगों को। दूसरा किधर गया? हाँ ये रहा। तो भाई लूटा हुआ सामान ये रहा, एक ही था क्या? लोग तो दो थे, देख लेता हूँ लोगों के पास भी कोई सामान है या नहीं है। गन थी तो गन तो मैंने ले लिया है। भाई सूट लेने आए थे और यहाँ पे जो है वो चोरी हो रही थी। माइकल के रहते हुए कोई दूसरा चोरी कैसे कर सकता है? भाई सूट ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों को पता है सिटी के अंदर आ गया हूँ, मेन सिटी के अंदर। अब यहाँ पे देख लेता हूँ मैं वो सूट मिलता है या फिर मुझे और ढूंढना पड़ेगा। सच में ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मोड्स डाल ही देना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये रही वो लड़की। You got the money. Oh, thank God. Next time you come in, it's 25% off, okay? Next time क्यों? अभी 25% दे। अभी दे, खाली मेरे को सूट दिखा दे बस। सूट कहाँ पर है? तो भाई यहाँ पर भी नहीं है क्या? इतना दूर आना वेस्ट हो गया। यहाँ पे मिल तो जाना चाहिए। सुपरमैन इज क्लोज, प्लीज कम बैक लेटर। अभी यार बंद करके रखी है ये। शिट, एमएनडी का कॉल आ गया। Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. तो भाई अमेंडा कॉल करके गाली दे रही है इसको, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real police. तो भाई अमेंडा कॉल करके गाली दी और इसने बोला कि देखो गाली देने की जरूरत नहीं है कॉल करके, मुझे पता है। तो उसने कहा कि मैं तुझे गाली नहीं दे रही हूँ, वो किसी मुसीबत में फंसी हुई है तो अमेंडा के पास में जाना होगा और अमेंडा को बचाना होगा। भाई मैं लेस्टर का मिशन करने के लिए निकला था और मुझे लेस्टर का मिशन तो नहीं मिला, मुझे एक स्टोर बचाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और अमेंडा फंसी हुई है, उसे भी बचाना पड़ेगा। भाई यार कितना एक्सीडेंट हो रहा है यार। कितने भी मैं स्पीड में पहुँचूँगा, मुझे लगता है मैं कितने भी स्पीड चला लूँ गाड़ी को, मुझे लगता नहीं कि मैं अमेंडा के पास टाइम रहते पहुँच जाऊँगा। वैसे काफ़ी करीब तो है अमेंडा, तो देख लेते हैं भाई। अरे यार यहीं से ही टर्न लेना था। शिट, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से टर्न ले लेता हूँ मैं। तो अमेंडा और माइकल का झगड़ा होते रहता है, इसीलिए उसने कहा कि अब तेरे को मेरी ज़रूरत पड़ी है। तो भाई ये रहा, ओके। भाई तो मैं बोला था ना गैड इन द कॉप कार, तो भाई मुझे कार ही चोरी करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि टाइम रहते मैंने पहुंचा नहीं यहाँ पे। उसने गाड़ी के अंदर बैठा दिया उसको और मुझे गाड़ी चोरी करना पड़ा। फिर से पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, बट पुलिस को हम लोग उल्लू बना सकते हैं बहुत इजीली। बचा लिया मैंने उस कुत्ते को, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो रिवर्स करके देख लेना, बहुत खतरनाक बचाया मैंने उसे। सामने की तरफ एक कार आ रही है तो मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, बचने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मेरे, वो भी 3 स्टार की। मैं चुप बैठ यार, भगा तो रहा हूँ गाड़ी। पुलिस की कार एक ऊपर है और एक कार पीछे लगी तो है, बट वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी मुझे पता है। I know what I'm doing. नहीं है पीछे, नहीं है अभी तक तो नहीं है। एक कार ऊपर की तरफ चल रही, नहीं हाईवे की तरफ ही थी इसीलिए मैंने ऊपर ले लिया। It's under control. Get us out of here. भाई सामने की तरफ से आ रही है तो रडार में मुझे आना नहीं है, रडार से मैंने निकल गया। और भाई इसका सायरन बंद करना पड़ेगा क्या मुझे? बंद हो जा। Chill out. It's under control. तो भाई बच गए हम लोग। टेक अमेंडा होम, ओके ठीक है। तो इसको अब होम घर पे लेके जाना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है ना,
उन लोगों के रडार में नहीं आना है, कॉप्स के रडार में नहीं आना है, इससे मैं हर बार बच जाता हूँ। Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. तो भाई ये इसको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया माइकल, फिर भी अमेंडा को चैन नहीं है, वो अभी भी चिल्ला ही रही है इसके ऊपर। No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh yeah. Risking prison. तो घर पे तो हम लोग पहुंच गए, बट इसके अंदर ट्रैकर नहीं लगा होगा। इस कार के अंदर अगर ट्रैकर लगा होगा तो पुलिस वापस आ जाएगी इधर पे और इन लोगों को पकड़ लेगी। कोई बात नहीं माइकल, सबका यही हाल है। तो गाड़ी को मैं यहाँ पर ही छुपा देता हूँ, इसके अंदर ही छुपा देता हूँ, बाद में हम लोग इसे निकाल के रात के टाइम पे इसे लेकर जाके कहीं पे रख देंगे। तो मैं पूरे लॉस सैंटोस की सिटी में मैंने ढूंढ लिया है, वो सूट मुझे मिला नहीं है, तो मैं एक बार घर में भी देख लेता हूँ। इसके पास भी वार्डरोब है और वार्डरोब में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस तो हो गए, मैंने चेक नहीं किया है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर है या नहीं है। सूट सी बोला था ना वो फुल सूट, इसकी किसकी ज़रूरत हो सकती है, मुझे लगता है कि इसी की ज़रूरत होगी। तो भाई घर में ही था सूट और मैं ढूंढ रहा था पूरे मोहल्ले में। तो भाई ऐसे ही होता है जब ध्यान देके नहीं खेलो तो। कोई बात नहीं, अब चलते हैं लेस्टर के पास में और लेस्टर के पास जाके देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो सूट के अंदर ही होगा सिर्फ। तो लेस्टर का घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है भाई साहब, बहुत ज़्यादा दूर है यार। तो स्किप करते हैं और लेस्टर के घर पे ही मिलते डायरेक्ट। एक्चुअली लेस्टर के घर पे नहीं जा रहे, लेस्टर का एक गारमेंट है वहाँ पर जा रहे हैं, इंडस्ट्री है या फिर गारमेंट है, वहाँ पर जाकर मिलते हैं लेस्टर से और देखते हैं भाई वो क्या काम कराना चाहता है सूट वगैरह में। और मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट एपिसोड में सेकंड एपिसोड में इसने मार्टिन मद्रासो का घर तोड़ दिया था, इस वजह से ये दोबारा से वापस आ गया है। ये रिटायर हो गया था माइकल रिटायर्ड हो गया था फर्स्ट वाली जो चोरी हुई थी ना बैंक रॉबरी, उसके बाद में ये रिटायर हो गया था। बट मार्टिन मद्रासो ने इसके ऊपर क्लेम किया है $2.5 million का, इस वजह से इसने अपना रिटायरमेंट कैंसिल किया है और कैंसिल करके दोबारा से ये चोरी और किडनैपिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अब चलते हैं लेस्टर घर पे और मिलते हैं उसे और देखते हैं कि हमें क्या मिशन देता है लेस्टर। तो भाई साहब मैंने कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भगाते हुए लेकर आ गया और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी कार थोड़ी सी भी ठुकी नहीं है। ड्राइविंग भाई बिना मोड के भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है मेरी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी ड्राइविंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार बुराई मत करना यार प्लीज़, क्योंकि ऐसे कुछ दोस्त हैं मेरे जो भाई सीधा सीधा बुराई करने लग जाते हैं। तो ये सूट तो मैं पहन के आ गया, मिलता हूँ लेस्टर से, देखता हूँ ये मानता है या नहीं मानता है। The hell is this place? Garment factory. Garment factory. That didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. तो भाई खतरनाक आदमी है लेस्टर। पहले तो यूनियन यूनियन मैं भूल गया यार नाम, सॉरी, यूनियन डिस्पर्टरी ऐसी कुछ नाम था उसका, पहले वहाँ पर ये चोरी करने का प्लान बनाया था, बट इसने कहा कि मुझे मार्टिन मद्रासो का कर्जा वगैरह उतारना है, इतना बड़ा कांड नहीं करना है। तो फिर ये अब एंजेलिको करके कोई एक स्टोर है, वहाँ से इन लोगों को सोना चुराना है। भाई साहब खतरनाक सीन है।
थोड़ी और इन लोगों की बातें सुन लेता हूँ तो मुझे और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों का नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट मूव क्या है। Don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. So, भाई FIB के लोग भी इसके दोस्त हैं लेस्टर के। ये उन लोगों को पैसे देता है। For one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah. All right, Lester, I'm very impressed. भाई माइकल इम्प्रेस हो गया लेस्टर से, क्योंकि लेस्टर इतने बड़े बड़े कांड करता है और कांड के अंदर एफआईबी के लोग को भी शामिल करके रखा है और एफआईबी लोग को ये $5 मिलियन या फिर ऐसे ही कुछ अमाउंट उन लोगों को हर महीने देता है। तो हमारे डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब मैं पहुंच चुका हूँ। एंजेलिको स्टोर का नाम है, यहाँ पर ही आना था मुझे। ओके ये क्या है? अच्छा इसके अंदर कैमरा डाल के रखा है उसने और इससे मैं अच्छा ओके समझ गया। लेस्टर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि मुझे इंटीरियर का फोटो चाहिए, स्ट्रीट का फोटो नहीं चाहिए। वेंजेलिको नाम है भाई इस ज्वेल स्टोर का, वेंजेलिको। अच्छा इसलिए ये सूट वगैरह बोला था पहन के आने के लिए, तो इसके अंदर का फोटो चाहिए इसको। Hey beautiful, I need to pick up a little something for the woman in my life, well one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. See, my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe $10,000. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. माइकल मस्त यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, बोल रहा है कि मेरी वाइफ के लिए मुझे रिंग चाहिए था। तो लेडी ने कहा कि आपकी वाइफ का टेस्ट कैसा है, तो उसने कहा चीप। तो भाई उसको बेवकूफ़ बना के सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं, इन्फॉर्मेशन इसने कैमरे से लिया जो कि इसके क्लासेस में लगा हुआ है। तो मुझे अभी दोबारा से लेस्टर के पास में जाना है और यहाँ पे चोरी करने के लिए हमें एक क्रू की ज़रूरत होगी, एक टीम की ज़रूरत होगी, तो मुझे इस कार में ही आना था। ओके ड्राइव अराउंड द ब्लॉक एंड लुक फॉर अ वे अप टू द रूफ। ओके तो ठीक है, हमें फाइंड एन एक्सेस पॉइंट टू द रूफ टॉप। तो हमें एक एक्सेस पॉइंट ढूंढना होगा जो हमें रूफ तक लेके जा सके। लुक देयर सम कंस्ट्रक्शन, या इफ दे आर गटिंग द प्लेस आई माइट बी एबल टू गेट टू द रूफ। ओके तो मुझे जाके रूफ पे चेक करना होगा, रूफ पे जाके हमें एसी का वेंट होता है ना वो चेक करना है कि वो कहाँ पर है। प्लान तो खतरनाक बनाता है भाई ये लेस्टर। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास थोड़ी सी हेल्थ अगर कम होगी तो यहाँ पर मुझे हेल्थ मिल रही है, मैं ले लेता हूँ। ये तो मैं नहीं ले सकता यार, अभी मुझे जरूरत नहीं होगी। मतलब OD, shootout, maybe just a car crash, right? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. तो भाई लेस्टर को ये जानना है कि जो वो स्टोर है ना वेंजेलिका, उसकी जो एयर है वो कहाँ से बाहर आती है? तो यहाँ से तो नहीं आती होगी। They only knew what a sick puppy they had on their hands. यहाँ पर है क्या? Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. अच्छा वहां पे जाना था मुझे। ओके वैसे तो अरे भाई गिर के आइए, वेंटेज पॉइंट पे जाना था मुझे। पहले हायर बोला इसने, फिर बाद में चेंज कर रहा है, अजीब बंदा है यार ये।
इससे ज्यादा हाई पे कैसे आ सकते हैं? ओके, यहाँ जाना है। तो ये रहा वो वेंट। ओके, तो ठीक है भाई, किसी को देखने से पहले हमें यहाँ से भागना है और लेस्टर के पास जाके मिलना है लेस्टर से, और जो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले लिया है। बस लेस्टर के पास भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच ही गई है, बट हमें यहाँ से केयरफुल होकर निकलना है कि हमें कोई देखना नहीं चाहिए। भाई उतर जा नीचे। हाँ उतरा। Come on, Michael, let's go. आ रहा लेस्टर, आ रहा भाई। प्लान तो बहुत अच्छा है, अभी वो मुझे पता नहीं है कि प्लान क्या है, बट अच्छा ही लग रहा है मुझे। भाई कहाँ है ये लेस्टर, कहाँ गया? ये वो साइड है क्या? अब उसको छोड़ के यहाँ गया तो अच्छा, ये तो दूसरे रास्ते से आया गया मैं। मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ के यहाँ गया, वो गया कहाँ पर? तो भाई दोनों को ही बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है वहाँ पे चोरी करने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। एक सिक्योरिटी है और कैमरा लगा हुआ है और एक बंदी है बस, और उसके अंदर एक अलार्म भी लगा हुआ है जो कि अलार्म ये बंद करने वाला है लेस्टर। You know what they say? It's your funeral. One of them at least. माइकल ने फ्रैंकलिन को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया और बोल रहा है कि वो एक अच्छा बच्चा है और इसके अंदर हमारी मदद कर सकता है। तो फ्रैंकलिन भी इसके अंदर ज्वाइन हो चुका है। फ्रैंकलिन के भी भाई पैसे की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसकी आंटी उसके साथ में क्या करती है वो हम लोग स्टार्ट में देख ही चुके हैं। तो भाई दोनों को ही बहुत इजी लग रहा है वहाँ पे चोरी करना, मुझे तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट देख लेते हैं कि क्या होता है। फोटोज़ भी इसने जो कैमरे से खींचा था ना, मतलब जो ग्लास के कैमरे से खींचा था वही फोटोज होगा वो। Methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. तो भाई खतरनाक इसका प्लान है। अलार्म पे भी बना के रखा हुआ है, ये अलार्म वहां पर है, ठीक है। Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's real awkward, but this is the gun favored by LS. PD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do bhai, khatarnak plan hai. Batata hu main thode der mein. To smart se nahi karenge hum log, loud se karenge bhai. Loud se karoge ya smart se karu? Loud se hi karte hain, chalo. Some things never change. Driving skills iski theek lag rahi hai mujhe, ise hi lete hain. Do hi bande mere paas hai. Now the driver, they'll source the ये 14% लेगा, ये 8% लेगा, बट इसकी ड्राइविंग स्किल, व्हीकल चॉइस वगैरह भी सब इसका ठीक ठाक है, तो मैं इसको ही चॉइस कर लेता हूँ।
Yeah, it might be hot and heavy in there. This guy, I'll keep it from going bad. तो ये भी भाई हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा वाला ही चाहिए, भले ये 14% कट ले रहा है, ठीक है? हैकर भी अच्छा वाला ही। अबे भाई ये तो वो है, इसको नहीं, ये हम लोगों का, ये माइकल को जानता है एक्चुअली। तो भाई इसको माइकल भी मना कर दिया, ये इन्वेडर ऑफिस में इससे मिला था माइकल को, और यही इससे ब्लैकमेल कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो इसको ही लेते हम लोग, 15% है। तो भाई खतरनाक प्लान है यहाँ पर, हैकर जो है यहाँ पर जो आपको सीसीटीवी दिख रही है उसे हैक करेगी, और हैक करने के बाद में ये जो अलार्म है ये अलार्म बंद करेगी, और इन लोगों का एग्जिट पॉइंट भी जो है वो खतरनाक है, क्योंकि वो टनल जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वो टनल से होते हुए निकलना है। उसके बाद में ये जो ड्राइवर दिख रहा है, ये ड्राइवर का काम आएगा, ड्राइवर लेकर आएगा वहाँ पर वैन, और वैन के अंदर हम लोग अपनी बाइक डालेंगे और बाइक डाल के छुप जाएंगे। चलो भाई, I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. तो भाई माइकल को बोला है कि जब मैं सब कुछ रेडी कर लूँगा तब मैं तुझे कॉल करूँगा, तो वेट करते हैं भाई इसके कॉल का। ये ऑटो सेफ मैंने सेव तो कर दिया, मिशन पास्ट कहाँ हुआ है भाई, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है। Highest character become available in the Rockstar Editor's direct modes after being of the selection of the GTA 5 heist. Okay, ठीक है, समझ गया मैं। Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. तो भाई माइकल ने फ्रैंकलिन को कॉल करके सब बता दिया कि जो हम लोगों ने घर गिराया था ना उसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, और पैसा जमा करने के लिए हम लोगों को एक डील मिली है, और वो डील मैं सोच रहा हूँ कि तू भी मेरे साथ में करे। रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसा थोड़ा सा कम है, बट तुझे सीखने को बहुत मिलेगा, और ऐसे ही तू काम करते रहा तो तू आगे जाके खुद की भी डील फाइनल कर सकेगा। तो मुझे अभी जाना कहाँ पर है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ही जाना होगा माइकल के पास में। तो मैं जाके देख लेता हूँ कि माइकल का कौन सा मिशन चल रहा है। उसके बाद में जब ये कॉल करेगा ना लेस्टर, आई एम ट्राइंग टू लोकेट दैट इक्विपमेंट, इट्स गोना टेक सम टाइम बिफोर वी आर रेडी टू गो ज्वेलरी शॉप, सो स्पेंड योर लास्ट मोमेंट ऑफ रिटायरमेंट विद योर फैमिली। ओके, तो ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा सब इक्विपमेंट जमा करने के लिए, और माइकल को बोल रहा है कि अपना रिटायरमेंट थोड़ा सा इन्जॉय कर ले अपनी फैमिली के साथ में। तो मैं घर ही जा रहा हूँ, बट घर पर जाने के बाद में कुछ मिशंस स्टार्ट हो गया, तो फिर वो मिशंस भी हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में ज्वेल स्टोर में हम लोग चोरी करेंगे। तो देखते हैं भाई कब तक वो कॉल करता है लेस्टर। भाई ये क्या कर रहा है बीच रास्ते पे खड़े होकर, उसका वेट कर रहा था क्या निकलने का। तो ठीक है, हम लोग घर पे तो पहुंच चुके हैं, पुलिस की कार में लेकर आया था और गैराज में रखा था, मुझे याद है। मैं देखता हूं कि पुलिस की कार है या नहीं है, नहीं है, कहां गई, गायब हो गई। भाई घर में जाने के बाद में डे क्यों चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। तो भाई जब ये फ्रैंकलिन जब चोरी करने आया था माइकल के घर में, तब ये वो गेम खेल रहा था जिम्मी, और अभी भी गेम ही खेल रहा है। कसम से बहुत ज्यादा परेशान करता है ये माइकल को, बहुत गुस्से में जा रहा है भाई ये। What the fuck you doing? Nothing. Really? Cuz I keep hearing hermaphrodite this, a cop that. Go away. What? पर भगा रहा है भाई। Entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. ओ भाई तोड़ दिया टीवी इसने। I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then?
besides just stand there? Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. बोल रहा है कि तू मुझे मार क्यों रहा है, क्यों क्यों नहीं रहा है, मार मुझे. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. भाई टीवी तोड़ दिया उसकी और सॉरी बोल रहा है. What things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. भाई इतनी बड़ी टीवी तोड़ने के बाद में बोल रहा है कि तू मेरे साथ में बाइक राइड पे चल, और जिम भी गुस्से में बाइक राइड पे इसके साथ में जा रहा भी है, तो चलते हैं भाई बाइक राइड पे चलते हैं. बाइक राइड के लिए साइकिल की जरूरत होती है, साइकिल किधर है? अच्छा कार से जाना है, ओके ठीक है. भाई रास्ते पर गाली देते हुए जाएगा जिम्मी माइकल को, क्योंकि जब फ्रैंकलिन के साथ में जिम्मी आ रहा था तब दुनिया भर की बुराई करा था माइकल की, तो हो सकता है कि अभी भी गाली देते हुए ही जाए. तो भाई माइकल यही बोल रहा है कि 10 साल से मैं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहा हूँ, बट ये कंट्रोल हो रहा नहीं है. ओके तो यहाँ से मुझे साइकिल मिल जाएगी, बट साइकिल कौन सी लूँ? ये वाली लेते हैं. ये कौन सी लेगा भाई, इतनी गंदी साइकिल लिया है यार ये. ओ भाई जिम्मी ने शर्त रख दिया है कि अगर जिम्मी जीतेगा तो उसे हमें मतलब माइकल को अच्छी खासी एक न्यू टीवी, बड़ी टीवी बाय करके देना पड़ेगा. पर ऐसा होगा नहीं मुझे जैसा कहाँ तक लग रहा है. भाई जो स्पीड क्यों नहीं भाग रही है ये? My lungs are burning, but humiliating you makes it all worthwhile. You're a soy loser. Too bad, yaar. Sala, ek to gaadi speed, the cycle speed bhaag rahi nahi hai. Kya gandi cycle hai yaar ye? Acha jump kar sakti hai, but bhaagti nahi hai. What am I gonna do with all that spare TV money? पीछे ही गया ये. ज़्यादा पीछे नहीं है भाई. इधर पे ही है. तो चला ले भाई. Jim, catch up. Imagine I'm a big juicy burger. बोल रहा है कि तू बूढ़ा आदमी है और गिर जा, बट माइकल बोल रहा है कि नहीं भाई मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं गिर जाऊँ. और बोल रहा है कि जो तूने बर्गर वगैरह खाया है ना, उसका नतीजा ये है कि तू मुझे पीछे नहीं कर पा रहे. बट ये अबे भाई कर ले, चला ले भाई, थोड़ा स्पीड चला ले. मैं सोच रहा था कि किससे मैं भगा सकूं इस साइकिल को, बट ये भागने के लिए रेडी नहीं है यार. अबे भाई इसे तो रुकती है गाड़ी. अरे 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 भाई भगा लिया इसने, भगा के आगे तो चले गया यार ये. मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे पीछे कर पाऊंगा. Are you just dripping sweat? God damn it! It's just terrible. You ain't gonna slingshot me. Hey, we didn't discuss how big that TV would be, did we? अरे यार ये पीछे से साउंड भी आने लगा है, मुझे लग रहा है कि स्ट्राइक ना आ जाए यार. My lungs are burning, but humiliating you makes it all worthwhile. बे भाई चला ले स्पीड. भाई सड़ेली साइकिल है ये, स्पीड चला रहा ही नहीं है. भाई जीत गया वो, अब तो जीत ही जाएगा. हॉर्न वगैरह सब बजा रहा है, सिर्फ स्पीड नहीं चला रहा है साइकिल.
जीत गया वो, अब क्या है क्या यार, सड़ेली साइकिल ले लिया मैं, शे इससे अच्छा तो लास्ट वाली साइकिल लिया हो तो चल जाता था। कोई बात नहीं भाई, माइकल का ही लौंडा है वो, उसको दिला देंगे टीवी। That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. भाई मुकर गया ये तो। Real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. Oh, bhai. Khatarnak. I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah, Dad. तो भाई जिमी की पूरी की सॉरी ट्रेसी की पूरी पोल खोल दिया इसने। उसने बता दिया कि ट्रेसी क्या-क्या करते रहती है। और आप जो है वो ट्रेसी को कुछ नहीं बोलते। तो ये बोल रहा था, माइकल बोल रहा था कि ट्रेसी मेरे याश नहीं चोरी करवाई है और वो दिन भर टीवी नहीं देखती, टीवी पे गेम नहीं खेलती है। तो फिर जिमी ने कहा कि ट्रेसी जो करती है वो मैं अगर आपको बता दूं तो आप जो है वो थोड़े से टेंशन में आ जाओगे। भाई ये कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गया और जिमी ने सब कुछ बता ही दिया है। काफ़ी दूर है यार वो बोट, और वो बोट के ऊपर है ट्रेसी, और ट्रेसी को जाकर वहाँ से निकाल के लेके आना है। और जैसे कि मैंने कहा है कि मैं ज़्यादा स्कीप करूँगा नहीं, तो मैं ये भी स्कीप नहीं करने वाला हूँ। बट काफ़ी दूर है यार ये, और ये बहुत ज़्यादा स्लो स्विमिंग कर रहा है। चलो थोड़ा सा आप लोगों को टास्क दे देता हूँ, अगर आप लोगों को स्विमिंग आती होगी तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्विमिंग आती है। मैं बता देता हूँ मेरा, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को स्विमिंग आती है या नहीं आती है। और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक नहीं किए हो तो। सच में यार ये ट्रेसी क्या कर रही है? Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? माँ कसम ये क्या बात है? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. बोल रही है कि इसकी मॉम ने भी घर रेंट पे दिया था। भाई ये तो पागल ही हो गया यार माइकल। कोई भी पागल हो जाएगा भाई। Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Let's go to the scene of my fucking boat. तो ट्रेसी ने बताया कि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर बंदे हैं, और बट माइकल की फैमिली भाई हटके ही है, एकदम खतरनाक फैमिली है। जिमी अलग परेशान करता है, ट्रेसी अलग परेशान करती है, और अमेंडा वो तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल ही है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एम बहुत भारी है माइकल का। Take a deep breath, baby. It's okay. I'm taking you back to your brother. I'm an accessory to murder. No, you're not. You're an accessory to self-defense. Have I, like, got to be a witness because I like, did some blow? You did blow? Yeah, I did some blow, and that might, like, be a witness. Bhai, bahut khatarnak hai yaar ye Tracy to. You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV. Took me to the beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with भाई दोनों बेटी और बेटा मिलके गाली दे रहे हैं डैड को, उन लोगों के डैड को। और बेचारा परेशान है, कुछ कर नहीं सकता है, क्या ही कर सकता है वो। मिशन पास तो हो गया है, बट खतरनाक लाइफ चल रही है माइकल की।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोरी करने वाले हैं वेंजेलिका स्टोर को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय बाय। Yeah.